अरबों रुपए की संपत्ति होगी कब्जा मुक्त। जी हां, अरबों रुपए की संपत्ति कब्जा मुक्त होगी नोएडा में। नोएडा अथॉरिटी ने तैयार किया है पूरा मास्टर प्लान, और किस तरीके का प्लान होगा ये हम आपको बता रहे हैं। औद्योगिक सेक्टर 4, 5, 8, 9 और 10 में बनी झुग्गियां, सर्वे के मुताबिक 12 से 15 हजार झुग्गियां बनी है। अरबों रुपए की संपत्ति कब्जा मुक्त होगी, सीईओ रितु माहेश्वरी ने सख्त निर्देश इसको लेकर दे दिए हैं। फ्लैट का आवंटन होने के बाद भी झुग्गी खाली नहीं, झुग्गी वासी नहीं कर रहे, झुग्गी खाली अथॉरिटी करेगी आवंटन निरस्त। सील हुई झुग्गियों पर कब्जा लेगी नोएडा अथॉरिटी। पुनर्वास योजना के तहत फ्लैट आवंटित हुए थे, पहले अथॉरिटी ने झुग्गी वासियों को फ्लैट आवंटित किए थे। अथॉरिटी जल्द शुरू करेगी कार्रवाई, तो ये कार्रवाई जल्द ही शुरू हो जाएगी। सील हो गई है झुग्गियों पर जो कब्जा, अब नोएडा अथॉरिटी उसको लेगी। 760 झुग्गियां तोड़ दी हैं। गौतम बुद्ध नगर में बनी झुग्गियों को नोएडा प्राधिकरण द्वारा अब तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन लोगों को आवंटन दे दिया गया है, जिनको कब्जा दिया जा रहा है, उनकी अब झुग्गियां तोड़ दी जा रही है। हालांकि इस समय हम नोएडा के सेक्टर 9 में हैं, और यहां पर जो है सेक्टर 9, सेक्टर 5, 7 और 10 में लगभग 12,000 झुग्गियां हैं, और उनको अब तोड़ने के लिए निर्देश दिए गए हैं। हालांकि जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरे हुए हैं, उन लोगों की जिनको आवंटन और कब्जा मिल गया, उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई है। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है इन झुग्गियों को जो है कब्जा मिल गया था, उनको नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ने की कार्रवाई कर दी गई है। हालांकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 12,000 झुग्गियां हैं, और सेक्टर 122 में अभी 1500 के करीब जो है फ्लैट बने हुए हैं। तो जिन जिन लोगों को वहां पर कब्जा दिया जा रहा है, उनकी झुग्गियां तोड़ दी जा रही है। इस चीज़ को बात करने के लिए हमारे साथ में यहाँ के जो झुग्गीवासी हैं वो भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अतुल, आपको झुग्गी प्रोवाइड कराई गई थी और जो उसमें अभी तक आप शिफ्ट नहीं हुए हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं और किस तरीके के फ्लैट बने हुए हैं और कितने टाइम से बने हुए हैं? फ्लैट मिले हुए हमें अभी 2 साल हुए हैं, और वहाँ के जो फ्लैट बने हुए हैं वो काफ़ी पुराने फ्लैट बने हुए हैं। करीबन 10 साल पुराने फ्लैट बने हुए हैं, जो कि 10 साल बाद अब हमें मिले हुए हैं। और ये जो फार्म भरे गए थे, ये काफ़ी 2008, 2009, 2010 के करीब में भरे गए थे, और 2020 में ये हमें फ्लैट आवंटन हुए हैं। अब फ्लैट आवंटन तो हुए हैं, लेकिन उस फ्लैट में ना मेंटेनेंस हुआ ना कुछ हुआ, काफ़ी एक खंडर टाइप का फ्लैट हो रखा है। वो बस अथॉरिटी बाहर से पेंट करवा दे रही है, सब कुछ करवा दे रही है, अंदर से कोई काम नहीं, सिर्फ चूना मार के दे दे रही है, जिसकी वजह से आदमी इंसान यहाँ से जा नहीं रहा। अब अथॉरिटी का कहना है कि हम काम करवा रहे हैं धीरे धीरे अब, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। और उससे पहले ये लोग झुग्गी तोड़ने की बात कर रहे हैं कि अगर झुग्गी पहले ही तोड़ देंगे तो हम तो वहाँ से बेदखल हो जाएंगे, वहाँ जाके रहेंगे कैसे, जीवन काल संभव नहीं है वहाँ। तो इसीलिए यही गुजारिश है कि पहले वहाँ के फ्लैट अच्छे से मेंटेनेंस करके तैयार कर दिए जाएँ, उसके बाद झुग्गी वासियों का झुग्गी तोड़े जाए। नोएडा अथॉरिटी का साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों को कब्जा वहाँ पर दे दिया गया है, आवंटन पत्र दिए गए हैं, और वो अभी भी झुग्गियों में रह रहे हैं और 10 तारीख तक खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में आप क्या मांग करेंगे नोएडा प्राधिकरण से, और यहाँ से क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं? देखिए, फ्लैट तो काफ़ी लोगों का आवंटन हो चुका है, और टाइम भी आ गया कि उनकी झुग्गी तोड़ दी जाएंगी, लेकिन फ्लैट जिसको मिला है उसकी झुग्गी पहले से ही सील कर दी गई है, सील कर दी गई है, और वो अलग जगह रह रहा है इंसान, फ्लैट में नहीं जा पा रहा क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है काम करवाने के लिए, इसलिए वो इन फ्लैट में नहीं जा पा रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण ने जो निर्देश जारी किए उसमें साफ तौर पे लिखा है कि उन फ्लैटों की मरम्मत के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जल्द से जल्द उन फ्लैटों को ठीक कर दिया जाए, जिससे कि यहाँ पर जिन लोगों को आवंटन दिए गए हैं वहाँ पर उनको कब्जा दिलाया जाए, और साथ ही इनकी झुग्गियों को जो है पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाए। नोएडा से विनायक गुप्ता, नेटवर्क 10। विनायक गुप्ता संवाददाता हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं इस खबर पर, ज्यादा जानकारी के लिए। विनायक, अरबों रुपए की संपत्ति है जो कि कब्जा मुक्त होगी। जी, आपको बता दूं कि सेक्टर 4, सेक्टर 8 और सेक्टर 9, सेक्टर 10 के पास में हजारों की संख्या में जो है झुग्गियां बनी हुई है, और वहां का जो जगह है वो कई सारे एकड़ों में फैली हुई ये झुग्गियां हैं। तो कहीं ना कहीं ये अरबों रुपए की जो जमीन है वो अब कब्जा मुक्त नोएडा प्राधिकरण करा लेगा, क्योंकि अब इनको जो है फ्लैट देने की कार्रवाई जो है नोएडा प्राधिकरण कर रहा है। सेक्टर 122 में फ्लैट बनाए जा रखे गए हैं, ग्रेटर नोएडा की साइड में फ्लैट बनाए जा रखे हैं, और सेक्टर 122 की साइड में भी 121 पलसला के पास में भी फ्लैटें बनाए जा रखे हैं। तो उन सब जगहों पर इन झुग्गीवासियों को जो है लगातार आवंटन दिया जा रहा है, और उसके बाद में उनको कब्जा दिया जा रहा है, और जो इनकी झुग्गियां हैं उसको सील करने के बाद उसको पूरी तरीके से तोड़कर नष्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि
ये जो झुग्गी वासी है वो दोबारा इसमें आकर के ना रह पाए। हालांकि झुग्गी वासियों जो यहाँ रह रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हमें फ्लैट दिए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से अभी ठीक से बने नहीं है, क्योंकि उसके अंदर में कुछ मरम्मत का कार्य अभी भी बचा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर में नल नहीं है, जो मसाले हैं वो लगातार छूट रहे हैं, और कई साल पुरानी जो बिल्डिंग है उसके जो खंडर बताया जा रहा है। तो इस कारण जो है यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो जल्दी जाने को यहाँ से तैयार नहीं हो रहे। इसी को लेकर के नोएडा प्राधिकरण के रितु महेश्वरी जो सीईओ है उन्होंने एक बैठक की थी अधिकारियों के साथ में, और उन्होंने साफ निर्देश दिए थे कि वो उन झुग्गियों को उन फ्लैटों को जो है पूरी तरीके से मरम्मत कराई जाए, जिससे कि वहाँ पर यहाँ के लोग जो है झुग्गी वासी वो आराम से जाकर रह सके। हालांकि उस बैठक में ये भी निर्देश दिए गए थे कि जिन लोगों को आवंटन बांट दिए गए हैं वो झुग्गी अभी भी नहीं खाली कर रहे हैं, जाकर फ्लैट में कब्जा नहीं ले रहे, तो उनको जल्द से जल्द कब्जा दिलाया जाए और उनके झुग्गियों को सील करने के बाद नष्ट करने की कार्रवाई की जाए। लगातार जो है इस चीज को लेकर के निर्देश जारी कर दिए गए, अधिकारी लगातार जो है इन झुग्गी वासियों के कॉन्टेक्ट में है और जल्द से जल्द इनको खाली कराने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विनय, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी तो अपना मास्टर प्लान पूरी तरीके से तैयार कर चुकी है, लेकिन ये लोग अभी भी झुग्गियों को खाली नहीं कर रहे हैं, आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से इनको खाली करा जाएगा? जी, आपको बता दूं कि नोएडा प्राधिकरण के सीईओ ने अभी जो बैठक की थी उसमें साफ तौर पर 10 तारीख का 10 अप्रैल के लास्ट डेट दी गई है कि जिन लोगों का आवंटन दे दिए गए हैं उनके झुग्गी खाली करा कर उनको फ्लैट उनको मकान में शिफ्ट कराया जाए, जो और साथ ही साथ जो उनकी झुग्गियां हैं उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाए और उसके बाद में उसको पूरी तरीके से नष्ट किया जाए और जो जगह है उसको इन झुग्गियों से मुक्त कराया जाए। क्योंकि यहाँ पर जो प्लान बनाया जा रहा है, जो ये जमीनें हैं वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है और जो अलग बाहर से जो कंपनियां आएगी उन लोगों को ये जमीन दी जाएगी, तो इसलिए लगातार जो है नोएडा प्राधिकरण की सीईओ है वो इन सब चीजों पर खुद नजरें बनाए जा रखी गई और लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रही है कि जल्द से जल्द इन झुग्गियों को खाली कराया जाए और वहाँ पर जो है कुछ अच्छी चीजें बसाई जा सके। जी, कौन कौन सी चीजें हैं जो कि अभी तक इन लोगों को लगता है कि वहां पर तैयारी नहीं की गई है, जो कि इनको आवंटित किए जाएंगे वहां पर पूरी तैयारियां नहीं है, क्या क्या कमियां बताई जा रही है झुग्गी वासियों की तरफ से? आपको बता दूं झुग्गी वासियों की तरफ से सुबह भी हमारी उनसे बातचीत हुई थी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उसके अंदर में जो मकान है वो जहाँ पे फ्लैट बनाए जा रखे हैं वो 10 साल पुराने हैं, क्योंकि 10 साल पहले ही ये फ्लैट बनकर के तैयार हो गए थे और 10 साल के बाद में कहीं ना कहीं अब इनको फ्लैट दिया जा रहा है। उन फ्लैटों की जो हालत है वो जो मसाले हैं वो लगातार वहाँ से छूट रहे हैं और जो उसके अंदर में नल थे लगे हुए वो नल टूटे पड़े हुए हैं, जो शौचालय था वो टूटा पड़े हैं, जो गेटे हैं वो टूटे फूटे पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ने जब मीटिंग की थी उन्होंने भी इनकी बातों को सुना था, उसके बाद में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया कि उन फ्लैटों की जल्द से जल्द मरम्मत कराई जाए और उन झुग्गी वासियों को जो है वहाँ पर आवंटन वाले जो जितने भी झुग्गी हैं उनको जो है वहाँ पर कब्जा दिलाया जाए फ्लैट में और उसके बाद में इनकी झुग्गियों को सील करने के बाद नष्ट करने की कार्रवाई की जाए, इस चीज के निर्देश दिए गए हैं। तो 10 अप्रैल में देखने वाली बात होगी कि नोएडा प्राधिकरण अब किस तरीके से इनको फ्लैट जो है तैयार करवाने के बाद में कब्जा दिलवाती है, उसके बाद में यहाँ से पूरी झुग्गियों को खाली करवाने की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, इंतजार करना होगा अभी के लिए। बहुत शुक्रिया विनायक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हालांकि अभी झुग्गी वासी अपनी झुग्गियां खाली करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी कमियां उनकी तरफ से बताई जा रही है, जो कि अभी तक फ्लैट में काम नहीं हुआ है, उस बिल्डिंग को ठीक से तैयार नहीं किया गया है, और यही वजह है कि झुग्गी वासी वहां से अभी तक झुग्गियों को खाली नहीं कर रहे हैं।